हेलो फ्रेंड, आज मैं एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे विंडोज 10 को कैसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, हालांकि ये प्रोसेस इलीगल है, लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की नहीं होगा और इमीडिएट एक्टिवेट करना पड़ेगा तो आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं और सबसे पहले पहुंचे आप तक। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवराइट चैनल कंप्यूटर गुरु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर एंटीवायरस है तो आप उस एंटीवायरस को पहले डीएक्टिव कीजिए। डीएक्टिव करने के लिए आप एंटीवायरस के ऊपर राइट क्लिक करके डिसेबल वायरस प्रोटेक्शन में क्लिक करें, फिर वहां पे आप 30 मिनट या 1 आवर को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद ओके में क्लिक करें। ठीक है, अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आप इसी टास्क पैन में क्लिक करके विंडोज सिक्योरिटी में क्लिक करें और वहां पे जो रियल टाइम सिक्योरिटी है उसको ऑफ कर दें। ठीक है, उसके बाद आप अपने लैपटॉप पे गूगल को ओपन कीजिए। ठीक है, एक ब्राउजर के हेल्प से गूगल को ओपन कीजिए। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए विंडोज 10 एक्टिवेटर टेस्ट। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आपको जो पहले में लिंक मिलेगा, ठीक है, ये वाला लिंक को क्लिक कीजिए। ठीक है, इस लिंक को आप क्लिक करने के बाद इस साइट ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ टेक्स्ट आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी प्रेस करके उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद इसको मिनिमाइज कर लीजिए, फिर यहाँ पे सर्च कीजिए नोटपैड। फिर नोटपैड को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके जो भी टेक्स्ट कॉपी किए थे उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप फाइल पे जाइए, फिर सेव में क्लिक कीजिए। ठीक है, सेव में क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप को सिलेक्ट कीजिए, फिर नीचे में सेव एज टाइप पे आप ऑल फाइल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम टाइप कीजिए विंडोज 10.bat। ठीक है, उसके बाद सेव में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर ये फाइल डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। जब आप राइट क्लिक करेंगे इसमें एक ऑप्शन होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर यस में क्लिक करें। जब आप यस में क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेस होगा, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिवेटिंग योर विंडोज। यहाँ पे आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो एक्टिवेट कर रहा है, कुछ टाइम के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, मतलब ये अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये हम जो प्रोसेस स्टार्ट किए हैं वो प्रोसेस खत्म हो जाने तक ये एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, वुड यू लाइक टू विजिट माय ब्लॉग, यहाँ पे एन प्रेस कीजिए। ठीक है, एन प्रेस कर देने के बाद आप अपना लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेने के बाद वो आपका जो विंडोज होगा वो एक्टिवेट हो गया हो। सोच रहा हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप इसको अपना सकते हैं, अगर आपका विंडोज एक्टिवेट नहीं है तो। ठीक है, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। उसके साथ लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, अब तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में इस तरह का वीडियो हर वक्त मिलता रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।